हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टेटिक पोर्शन एज अ डाउट। लेट्स सी इट। द क्वेश्चन इज शोन इन द फिगर आर टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इनसाइड द कैविटी ऑफ अ स्फेरिकल सेल। द चार्ज आर केप्ट नियर द सर्फेस ऑफ द कैविटी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। इफ सिग्मा वन इज द सर्फेस चार्ज ऑन द इनर सर्फेस एंड क्यू वन नेट चार्ज ऑन इट एंड सिग्मा टू द सर्फेस चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस एंड क्यू टू नेट चार्ज ऑन इट। देन आपको क्वेश्चन बोला गया है कि स्फेरिकल सेल है जिसके इनसाइड एक कैविटी हुई है और उस कैविटी के सेंटर्स के अपोजिट में दो चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है बट नेचर उनका अपोजिट है प्लस एंड माइनस के फॉर्म में। तो इसके इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे नेट चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी क्यू वन एंड क्यू टू एंड सिग्मा वन एंड सिग्मा टू के फॉर्म में। एंड जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको ये इक्वल्स टू जीरो एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज रखे हुए हैं ये सिमेट्रिकली नहीं है एंड एक पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है अपने नीट पोर्शन के लिए, नीट एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। तो ये देखा जाता है कि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो दो तीन साल बाद अपने नीट में भी आ जाया करते हैं। तो एक अगर एक एग्जाम में पूछा गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आप कंसीडर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अपने एग्जाम में केवल एक पॉइंट चार्ज की बात होती है, यहाँ पे डबल पॉइंट चार्ज है और वो एक जो सिंगल पॉइंट चार्ज होता है उस हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट के होते हैं। ये क्वेश्चन इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, बट देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें, नेट चार्ज जो है कैविटी के अंदर वो जीरो होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है एंड अपोजिट नेचर है, और इस पे के वन मतलब अगर सरफेस ये वन है इनर वाली और आउटर सरफेस टू है तो उस पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए देखते हैं। पहले सरफेस वन के लिए अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए, तो जो भी यहाँ पे सिग्मा या क्यू की बात की जा रही होगी वो फर्स्ट सरफेस हो या सेकंड सरफेस हो, इनर या आउटर दोनों पे चार्ज या जो भी सिग्मा की बात कर रहे हैं वो इंड्यूस्ड होगा बिकॉज सेल पे कोई चार्ज नहीं है, उसके इनसाइड कैविटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बात चलेगी वो केवल इंड्यूस्ड की बात हो रही होगी, इंड्यूस्ड चार्ज की बात करेंगे। तो एक हमने ये डॉटेड सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है, इसके अंदर अगर देखें नेट चार्ज जो है वो जीरो है। सो जब नेट चार्ज जीरो है तो इस वजह से जो इस पर इंड्यूस्ड नेट चार्ज होगा Q1 वो भी जीरो होगा। मीन्स अगर हम इस गॉसियन सरफेस डॉटेड सरफेस की बात करें या फिर इनर सरफेस की बात करें उस पर नेट चार्ज Q1 जीरो होगा। रीजन होगा कि आपके इनसाइड जो इसके सरफेस के इनसाइड है नेट चार्ज जीरो है तो अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। बट इसमें जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये देखिए इंड्यूस्ड कर रहा होगा चार्ज, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे, बट आप देख रहे होंगे एरो से ये आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली ऐसे ही पॉजिटिव के ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था ये नेगेटिव चार्ज दिया होगा एंड आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आपका पॉजिटिव चार्ज देगा एंड ये आपको कुछ ऐसे दे रहा होगा चार्ज, इंड्यूस्ड कर रहा होगा। तो आप देखेंगे नेट चार्ज तो ऑलरेडी, जो कि मैंने सिंपली एक लाइन में बोल दिया कि नेट चार्ज अगर इनसाइड जीरो तो टोटल चार्ज जीरो होगा। आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं जो मैंने एरोस ड्रा किए हैं वो इक्वली होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट चार्ज जो सरफेस पे आएगा वो जीरो हो जाएगा। बट आपको ध्यान ये देना है कि ये जो सरफेस चार्ज सिग्मा की बात कर रही है ये आपकी देख रहे एरो से सिमेट्रिकल ना होने की वजह से प्लेस टू प्लेस, पॉइंट टू पॉइंट, इनर सरफेस के पेरीफेरी पे हर जगह पे ये वेरी करेगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसा होगा। रीजन होगा क्योंकि आपका जो पॉइंट्स चार्ज है ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं है या फिर सिंगल चार्ज नहीं है, इस वजह से ऐसा ये हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें सेकंड आपका सिग्मा वन या आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो, मेन थिंग यही होती है। बस अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आउटर सर्फेस के लिए सिंपल है क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो भी बात चल रही थी वो इंड्यूस्ड की बात हो रही थी, इंड्यूस्ड चार्ज की बात हो रही थी। मीन्स आपके अगर इस गॉसियन सर्फेस पे कुछ भी इंड्यूस्ड हुआ ही नहीं तो आपको क्लियर हो जाता है जब नथिंग इज इंड्यूस, तो फिर मतलब जैसे यह समझे आप इंटरनल में जो नेट चार्ज जीरो था फिर इसकी वजह से इंड्यूस जो हुआ नेट चार्ज जीरो आ गया, वहाँ पे चार्ज ही नहीं रह गया इनर सरफेस पे, वो कुछ इंड्यूस करा ही नहीं सकता फिर क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज होगा नेट चार्ज इनर सरफेस पे या गॉसियन सरफेस जो बोलेंगे वहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जो भी आप उसको कंसीडर करें वो एक सिमेट्रिकल हो जाएगा क्योंकि जो सेल का जो इनर सरफेस है वो तो सिमेट्रिकल होगा विद रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेस। एंड
ड्यू टू सिमेट्री आपका जो आउटर सरफेस पे इंड्यूस्ड फॉर्म होगा वो क्यू टू एंड सिग्मा टू दोनों जीरो होंगे। आप इसको सिंपली ऐसे समझें, ये थोरेटिकल क्वेश्चन है तो आप ऐसे समझें, यहाँ पे जो क्वेश्चन में समझना है दो तीन बातें कि नेट चार्ज जीरो है इस वजह से नेट चार्ज जो इंड्यूस्ड होगा, नेट चार्ज ऑलरेडी जो मेन आपको सोचना है कि नेट चार्ज जीरो है तो इस वजह से इंड्यूस सरफेस जो चार्ज होगा इनर सरफेस पे वो भी जीरो होगा एंड क्यू टू पे भी जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो तो हर जगह पे चार्ज जीरो होगा, सबसे पहले ये आप समझ लें। सेकेंड थिंग कि इनर सरफेस पे जो आपका इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि सिमेट्रिकल ना होने की वजह से ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। एंड जब आपकी बात करें सिग्मा टू की, ये आपके जीरो इसलिए होगी ऐसा कंसीडर करते हैं क्योंकि जब आपके क्यू वन एंड मतलब वन सरफेस की अगर बात करें, यहाँ पे क्यू वन ही जीरो हो जाता है, कुछ चार्ज ही नहीं इंड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है कि ये ना तो चार्ज इंड्यूस कर रहा होगा ना, जब चार्ज ही नहीं इंड्यूस कर रहा और ना ही मतलब आप ये समझें कि आउटर सर्फेस पर इंडक्शन हो ही नहीं रहा है, ये समझना है कि देर इज़ नो इंडक्शन ऑन आउटर सरफेस, समथिंग ऐसा आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं माइंड में और आगे चल सकते हैं। बस ये माइंड में रखें और ऑप्शन को टिक करेंगे। सो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है मतलब जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका थर्ड होगा, सी आंसर होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।